हेलो चलिए देखिए, आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे, एक ब्रीफ समरी देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एवोल्यूशन में। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको सजेस्ट किया गया कि आप एक कार्टून के बारे में पढ़िए। तो इस कार्टून में, ये कार्टून है, इसमें एक इंसिडेंट को दर्शाया गया, एक घटना को दर्शाया गया है। इसमें 2006 में जून का महीने में इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया और यहां पर बहुत सारे नागरिकों को नुकसान पहुंचा, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। और इसी बात को लेकर यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, एक ऑर्डर पास किया अगस्त के महीने में। और इस अगस्त के महीने के रेजोल्यूशन के आलोक में या उसके आने के बाद फाइनली अक्टूबर में धीरे धीरे आर्मी ने अपने फोर्स को विड्रॉ कर लिया। तो हमको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था कितनी इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है। तो इस इंसिडेंट से ये मालूम चलता है, यह नजर आता है हमको, या ऐसा हम सोचते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, इनइफेक्टिव संस्था है। कारण यह है कि देखिए, यह युद्ध को रोक नहीं पाई, युद्ध हो गया, और युद्ध अगर हो भी गया तो उसके दो महीने के बाद इसको ऑर्डर पास होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, प्रस्ताव पारित होता है। और यही नहीं, उसने प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अक्टूबर तक युद्ध चलता रहता है और अक्टूबर में फाइनली सेना वापस जाती है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होता तो उसी वक्त सेना वापस चली जाती जैसे इसका नोटिफिकेशन आता। तो इस घटना ने हमें सोचने पर ये मजबूर कर दिया कि क्या यूनाइटेड नेशन वास्तव में इफेक्टिव है, क्योंकि जिस पर्पस या जिस उद्देश्य को लेकर यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था वो उद्देश्य ये पूरा करता नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन दो कार्टून्स में क्या दिखाया गया। इन दोनों कार्टून्स में हमें यह मालूम चलता है कि यूनाइटेड नेशन एक इनइफेक्टिव संस्था बन चुकी है, क्योंकि ना वो युद्ध रोक पा रही है और ना उसे सही ढंग से मोड़ पा रही है। यहां पर हमने देखा कि यूएन की घटना, यूएन ने 2006 में प्रतिबंध लगाया या रेटिफिकेशन लाया या रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी युद्ध हुआ। और यहां तक युद्ध रुकने के बाद भी सेना की वापसी काफी देर से हुई, तब तक काफी जीवन का या जान माल का नुकसान हो चुका था। तो यहां से मालूम चलता है इस फर्स्ट पैराग्राफ से और फर्स्ट कार्टून से कि भाई यूनाइटेड नेशन जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनइफेक्टिव है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, इसका दूसरा पहलू भी है जो ये बताता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूनाइटेड नेशन सचमुच आज भी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिलेवेंस या उसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना बाकी किसी और संस्थाओं का, या कह सकते हैं बाकी संस्थाओं के मुकाबले उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो एक तरफ हम एक वर्जन पढ़े जो ये बताता है कि ये इनइफेक्टिव संस्था है, जबकि दूसरी तरफ हम एक और वर्जन पढ़ने जा रहे हैं जो ये बताएगा कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इफेक्टिव है। अब सवाल होता है कि अभी हम तुरंत डिस्कस किए थे कि यूनाइटेड नेशन एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और इसका प्रूफ भी मिल गया था हमको, तो किस बेसिस पर आप कह सकते हैं दूसरी तरफ कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो एक इफेक्टिव संस्था है, किस आधार पर कह सकते हैं? तो यहां पर दो अलग अलग स्टेटमेंट है, उन दो स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि यूनाइटेड नेशन आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करवाता है, इट विल नॉट प्रोवाइड यू हेवन बट इट विल सेव यू फ्रॉम हेल, मतलब बुरी से बुरी स्थिति से आपको बचाता है। और बुरी से बुरी स्थिति कब आती है, जब पूरी तरह वार हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन देता है या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वार का सिचुएशन ना आए, क्योंकि वार जो होता है ना वो अंतिम होता है, हर किसी मुद्दे का हल जो होता है वो वार नहीं होता है, वार जो है ये युद्ध होता है ना वो अंतिम होता है। तो अंतिम के पहले भी क्या कुछ होता है, अंतिम के पहले भी बहुत से ऐसे कोशिश होती हैं जिन कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कौन, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन इज ऑल अबाउट गिविंग एन प्लेटफॉर्म वेयर नेगोशिएशंस कैन टेक प्लेस बिफोर द वॉर, वॉर के पहले शांति या बातचीत करने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दो कंट्री जो आपस में बुरी तरह भिड़ चुके हैं, उनके आपस में डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो
वो तीसरी जगह जाएंगे जहां पर वो उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, जहां पर मिलिट्री से लड़ाई करने के पहले वो मिलजुल कर एक बातचीत करके सोल्यूशन निकाल लें, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो वही दो कंट्री अफेक्टेड नहीं होता, बाकी के कंट्री भी अफेक्टेड होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिया जाता है, जहां पर बहुत सी बातचीत को कंप्लीट कर लिया जाता है, मतलब बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाता है। दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ये शशि थरूर जी का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि चर्चिल साहब का मानना था कि जॉजो इज बेटर देन वॉर वॉर। जॉजो का मतलब होता है नेगोशिएशन, बातचीत करना हमेशा वॉर करने से बेहतर होता है, यानी युद्ध जो होता है हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, यह शायद वो अंतिम सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके पहले भी जो सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके लिए कौन प्रयास करता है? यूनाइटेड नेशन, जैसे बातचीत के लिए रास्ते प्रोवाइड करवाना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कैसे इफेक्टिव है, असरदार कैसे है। तो वो असरदार बहुत से तरीके से, वो असरदार बहुत से तरीके से है। उसमें से एक तरीका यह है कि ये युद्ध के पहले, युद्ध को रोकने के लिए एक बातचीत का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर नेगोशिएशन हो सकते हैं डिस्प्यूटेड कंट्रीज के बीच में, और जहां पर युद्ध के संभावनाओं को रोका जा सकता है। ठीक है, यहां पर एक चीज देखिएगा, इनका मानना था चर्चिल का कि जॉर्ज इज बेटर देन वॉर वॉर, और यह कहना कि भाई हम एक दूसरे को एक जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर एक दूसरे को बोल के हम क्या करें, बोल के बोर कर दें, ना कि हम युद्ध में जाकर बैटल फील्ड में हम क्या करें, छेद करें और गोला दागे वहां पर। मतलब क्या है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा है, तो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा अगर कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है तो इसका निपटारा कहां पर हो सकता है? या तो बैटल फील्ड में होगा, युद्ध लड़ जाइए, जिसका जिसका पलड़ा भारी होगा वो ले लेगा कश्मीर, पहला रास्ता ये है। और दूसरा है भाई कि बातचीत के द्वारा इस मामले को सुलझाया जाएगा। तो बातचीत वाला जो मसला है उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप बातचीत के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं, डिस्प्यूट को युद्ध के द्वारा नहीं बल्कि टॉक के द्वारा या नेगोशिएशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा या डिप्लोमेसी के द्वारा आप यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन आज के टाइम में। तो ये दो कोट, ये जो दो कोट सभी पढ़े, ये दो कोट शो क्या करते हैं कि यूनाइटेड नेशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता है, लेकिन ये प्रॉब्लम से बचाने का सॉल्यूशन जरूर देता है। ठीक है, ये वॉर एंड पीस से बचाने का सॉल्यूशन जरूर देता है, एटलीस्ट ये कंट्रीज को बताता है कि आप कैसे कॉपरेट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में आप कॉपरेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को आप लेकर चल सकते हैं साथ में। हमेशा डिस्प्यूट ही रास्ता नहीं होता है, कभी कभी कॉपरेट करके भी प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर डिस्प्यूटेड रहा, लेकिन वहीं जब आप देखेंगे इंडस रिवर पर तो कॉपरेशन हुआ, और इंडिया और इंडस रिवर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या है, कॉपरेशन की भावना है, तभी पानी वहां भी मिल रहा है, यहां भी यूज हो रहा है। तो ये सारे चीज को प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट मस्ट गो टू वॉर टू डील विद देयर एंटागोनिज्म। मतलब अपने मतभेदों को सॉल्व करने के लिए हमेशा वॉर की तरफ जाना सही नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर वार से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो कोई और भी तो प्रावधान होगा, कोई और भी तो सॉल्यूशन, मल्टीपल तरीके होंगे जिससे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्राप्त कर लें। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसका बैकग्राउंड यहां से स्टार्ट होता है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसे बताएंगे। ठीक है, हर युद्ध के पीछे ये कहानी होती है, युद्ध अचानक से नहीं होता है, लेकिन अगर युद्ध कहीं भी होता है तो उसके रोकने के भी प्रयास भी होते हैं। तो सवाल ये होता है, यहां पर इनइफेक्टिवनेस की हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या यूनाइटेड नेशन इतना सक्षम है, कैपेबल है कि युद्ध, कोई भी कंट्री के बीच में युद्ध होता है तो उसको रोक नहीं पाता है वो, ये रोक पाता है। अभी देख लीजिए यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सचमुच यूएन इतना इफेक्टिव रहा है तो युद्ध को होने ही क्यों दिया? तो यहां पर दो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप का यह मानना है कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इफेक्टिव है, असरदार है, और क्यों असरदार है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी।
और एक ग्रुप का यह मानना है कि यह सरदार बिल्कुल नहीं है, इनइफेक्टिव बॉडी है, ठीक है, और कैसे इनइफेक्टिव है तो हम उसको पढ़ लिया, क्लियर है। आप समझिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से सुपर स्टेट नहीं रहा है, अपने अथॉरिटीज या अपने मेंबर्स के ऊपर में अपना अथॉरिटी को नहीं डेवलप लाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक सुपर स्टेट नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, वो अपने मेंबर्स पर अपने नियम को लाद देता था, उसको मानना ही मानना है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाए गए रेटिफिकेशन को या बनाए गए रेजोल्यूशन को या चार्टर को आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य होना चाहिए ऐसा करना, ठीक है। तो सभी मेंबर ने इसको, जितने भी 193 कंट्रीज हैं, इन सब ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस को बनाया है, और सीधी सी बात है, चूंकि उन लोगों ने बनाया है तो वो यूनाइटेड नेशन जो भी बनाएगा सब पर लागू होगा और सबको उसे उसका पालन करना चाहिए। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ के इफेक्टिवनेस की, ये कैसे असरदार है। तो पहला पॉइंट आपको क्या बताया, यूनाइटेड नेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। युद्ध के पहले अगर कुछ है तो वो है बातचीत, और बातचीत के लिए दो कंट्री अगर डिस्प्यूट में है तो वो कभी एक दूसरे के कंट्री में जाके बातचीत नहीं करेंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट है तो इंडिया पाकिस्तान में जाकर कभी भी बातचीत नहीं करेगा जनरली, और पाकिस्तान वाले भी आकर इंडिया में बातचीत नहीं करेंगे, वो बचेंगे इससे। तो उसके लिए कोई तीसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर सबकी आस्था हो, जिस पर सबको भरोसा हो। तो ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करवाता है, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां पर दो कंट्रीज अपने विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझा सकते हैं या एटलीस्ट सामने रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर यूनाइटेड नेशन के कुछ सदस्य आर्बिट्रेशन भी कर सकते हैं, मध्यस्थता भी कर सकते हैं, और मामले को कुछ हद तक सुलझा भी सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, ये प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा पॉइंट हो गया है, ये आर्बिट्रेशन या मीडिएशन करता है और प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो मुद्दे को या मामले को सुलझा सकते हैं, ठीक है। तीसरा, यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, एक जगह बुलाता है। क्यों बुलाता है, क्योंकि कुछ मुद्दे जो होते हैं वो किसी कंट्री के मुद्दे नहीं होते, वो ग्लोबल कंसर्न के मुद्दे होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस किसी एक कंट्री का मुद्दा तो था नहीं, ग्लोबल वार्मिंग किसी एक कंट्री का मुद्दा नहीं है, या CO2 का जो इमिशन हो रहा है वो किसी एक कंट्री का मुद्दा नहीं है। तो जब किसी एक कंट्री का मुद्दा नहीं है तो कोई एक या दो कंट्री मिलकर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। जब विश्व के सारे कंट्री एक साथ आएंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे, तभी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो ये काम कौन करता है, यूनाइटेड नेशन। सो यूनाइटेड नेशन ब्रिंग्स ऑल द नेशंस टुगेदर टू डेवलप अ कॉमन प्लान फॉर द ग्लोबल कंसर्न, जैसे डिजीज, और क्या हो सकता है, डिजीज यानी एपिडेमिक हो गया, डिजीज हो गया, कोरोना वायरस जिसमें था, जैसे वैक्सीन को डेवलप करना है। पूरे वर्ल्ड में जब कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ तो सोल्यूशन क्या निकला, कि बचने का एक ही रास्ता है भाई, क्या बचने का रास्ता है, बचने का क्या रास्ता है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन तैयार किया जाए, तो वैक्सीन तैयार किया जाए तो सब लोग मिलकर सहमति किए कि भाई अपने अपने कंट्री में सब लोग लैब डेवलप करें, R&D टीम बैठे और वैक्सीन डेवलप करें। हिंदुस्तान ने बनाया कोवैक्सीन, दूसरे कंट्रीज ने बनाया कोविशील्ड, ऐसा अमेरिका ने, और इधर आपका स्पूतनिक बनाता है कौन, रशिया, ठीक है। और भी अलग अलग वैक्सीन अलग अलग नाम से आए। पॉइंट इसकी वैक्सीन बनाने का जो ये डिसीजन लिया गया होगा, कहां लिया गया होगा, यूरोप के अंदर लिया गया होगा, व्यापक रूप से सबकी बैठक हुई होगी और विश्व को अलर्ट किया गया होगा कि भाई समस्या का सोल्यूशन तो एक ही है। तो ये कब हुआ होगा, जब सभी देश इकट्ठा हुए होंगे एक जगह। यही बताते हैं कि इसलिए UN का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि ये सभी कंट्रीज को एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह लाता है, किस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर, वैश्विक मुद्दे पर, ग्लोबल कंसर्न्स पर, जो वैश्विक चिंताएं हैं, ठीक है। जैसे आपके डिजीज, ये एग्जांपल है, कुछ डिजीज तभी खत्म होंगे जब सभी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज कोऑपरेट करेंगे और वैक्सीनेशन डेवलप करेंगे, जैसे पोलियो, ठीक है, अभी के टाइम में कोरोना वायरस, उसी ढंग से ग्लोबल वार्मिंग, उसके इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, किसी एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको एक जगह बुलाकर मीटिंग करके सॉल्यूशन निकाला गया। तो सवाल है कि मीटिंग करने वाला लीडर कौन है, हु इनिशिएट्स द मीटिंग ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कंट्रीज, हु ब्रॉट द कंट्रीज टुगेदर, किसने लाया सब कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशन। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के
इफेक्टिवनेस को दिखाया गया कि यूनाइटेड नेशन कितना असरदार है, क्योंकि वो बाकी कंट्रीज को बुलाता है और एक कॉमन प्रोग्राम डेवलप करता है ताकि सबका कल्याण हो जाए या सबका भला हो। ठीक है, यहां पर एक चीज और भी है, डिजास्टर भी मदद करता है। अभी कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेक ए लिस्ट ऑफ इश्यूज और प्रॉब्लम्स अदर देन द वंस मेंशन इन द टेस्ट दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय एनी वन कंट्री एंड रिक्वायर्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं, डिजास्टर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, सीएफसी गैस को हटाने की बात की गई। अब तो आपके रूम में जो सीएफसी बल्ब दिखता है अचानक से थोड़ी आया होगा, आपके घर में सीएफसी बल्ब दिख रहा है या आपके घर में वो सोलर पैनल लगे हैं वो अचानक से तो नहीं आया होगा, समझ रहे बात को। तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको, क्लियर है। तो कौन कौन से मुद्दे हैं इसके अलावा, डिजीज और ग्रीन हाउस इफेक्ट के अलावा, अभी आप बोले डिजास्टर, उसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो गया, इसी में ग्रीन हाउस गैस में आ गया, और बताइए कौन से ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जिनको एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत लगेगी ही लगेगी, मतलब उसकी जरूरत महसूस होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेरी गुड, बताइए ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रैफिकिंग में ये वैश्विक मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोई एक कंट्री सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लोबल एफर्ट की जरूरत कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्लेटफॉर्म देगा। ठीक है, एक बात और, अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि कॉपरेशन से ही प्रॉब्लम को सॉल्व होगा। ठीक है, सबको पता है कि कॉपरेशन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन सवाल यह उठता है, सवाल यह उठता है कि यह सोचना है कि कॉपरेशन करना चाहिए और रियली कॉपरेट करना, उसमें अंतर है। हम ये सोचते हैं कि कॉपरेशन करना चाहिए हम सबको, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको चाइना को सपोर्ट, सॉरी पाकिस्तान को और नेपाल को सपोर्ट करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए ट्रेड में। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रियली कॉपरेट करते हैं। एक हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कॉपरेट करना चाहिए और एक हम रियली कॉपरेट करते हैं, इन दोनों में अंतर है। तो एज ए कंट्री हम सिर्फ सोचते हैं कि हमको कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन वास्तव में कॉपरेट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये कौन बताता है हमको, यूनाइटेड नेशन जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं। ठीक है, वो रूल सेट करता है, वो बताता है कि भाई अलग अलग कंट्रीज कैसे कॉपरेट करेंगे और कैसे कॉपरेट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर दो कंट्री आपस में कोई कॉपरेशन करते हैं ना, उसके लिए कोई अग्रीमेंट करते हैं, तो एक तोड़ भी सकते हैं, एक तरफा तोड़ लेंगे, वो तोड़ सकते हैं ना। अगर मान लीजिए दो कंट्री आपस में कोई अग्रीमेंट करते हैं कि भाई हमें कॉपरेशन करना चाहिए और बाद में कोई विवाद होता है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बोलेंगे क्या ट्रीटी जो हम कैंसिल करते हैं अपने साइड से, दोनों आदमी अलग। लेकिन यही ट्रीटी को अगर कोई तीसरी संस्था या इंटरनेशनल बॉडी साइन करवाती है, यूनाइटेड नेशन जैसी बॉडी, तो ये तो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा दोनों के लिए। अब दोनों उस ट्रीटी से अलग नहीं हो सकते हैं, समझ लीजिएगा, दोनों बंधे रहेंगे उस ट्रीटी से, चाहकर या नहीं चाहकर भी, क्योंकि करवा कौन रहा है, ये गठबंधन कौन करवा रहा है, कॉपरेशन वाला, यूनाइटेड नेशन कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाकर, समझ रहे। तो कॉपरेशन किस तरीके से किया जाए यह बताता है यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था, और यहां पर कॉपरेशन करने के बाद अपनी मर्जी से आप अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर होता तब बोलो अलग हो सकते थे, लेकिन यहां पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसीलिए होगा। ठीक है, यही लिख रहा है कि अपने साइड से चीट कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं दो कंट्रीज, लेकिन अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा, यही संस्थाएं अगर ये अग्रीमेंट करवाएंगी कॉपरेट करने के लिए, तो कहीं ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे क्या है, लॉज होगा, मैकेनिज्म होगा, ब्रेक कर लिया तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आगे पढ़ेंगे। इसकी एक संस्था है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर कुछ मामलों को उठाया जाता है, आगे हमें पढ़ेंगे एवोल्यूशन के। इकोनॉमिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगता है, और भी मामलों में आपको बॉयकॉट किया जाएगा, और ये बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आज बिना कॉपरेशन के कोई भी कंट्री आगे नहीं चल सकता है, समझ लीजिए। तो कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट वर्ल्ड,
तो बिना कॉपरेशन के आप आगे नहीं चल सकते, कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं कि जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो अभी तक हम सिर्फ एक मंत्र का जाप कर रहे थे, वो कौन सा है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। तो सवाल ये, यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया होगा, ये आया कहां से, ये अवतरित कहां से हुआ, ये बना कैसे होगा? क्वेश्चन आ रहा ना दिमाग में कि अभी तक हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आ रहा था, यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव है इनइफेक्टिव है, कैसे इन। तो शुरू में ही जैसे चैप्टर का पर्दा खुला हमने इसको विलेन मान लिया। लेबनान वाले केस में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या बन गया, एक विलेन बन गया हमारे लिए, क्योंकि ये क्या है, इनइफेक्टिव नजर आता है। लेकिन फिर हमको मालूम चला कि नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म में क्या दिख रहा है, यूनाइटेड नेशन क्या है, एक हीरो है। यूनाइटेड नेशन युद्ध के अलावा, युद्ध को रोकने के अलावा और भी बहुत सारे काम को करता है जो आज के समाज के लिए, आज के वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे हमारे नजर में उसका जो कद है ऊंचा उठता चला गया और आज हम यूनाइटेड नेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, क्योंकि वो रियली में इफेक्टिव है बट इन अदरवेज। यहां तक समझ गए थे? तो जब ये इफेक्टिव अगर है या अगर हीरो है तो कहीं ना कहीं हीरो का जन्म तो हुआ होगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन, आखिर इसका जन्म कैसे होता है, ठीक है? तो इसी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, यहां पर साफ साफ है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला जब विश्व युद्ध होता है ना तो लोगों की आंखें खुल जाती है, ठीक है? पहला जब विश्व युद्ध होता है तो जितने लोगों की आंखें बंद हो गई थी उनको देखकर बाकी लोगों की आंखें खुल जाती हैं, समझ गए? मतलब जितने लोग मर गए थे बाकी जिंदा लोग को देख के होश आ जाता है कि हम भी मर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो बंद आंखों को देखकर जितने भी लोग की आंखें थी खुल गई, उनको नजर आया कि भाई दोबारा हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति ना आने दें, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हमें परम आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है हमें। तो जरूरत है, तो जरूरत है, उसी जरूरत के मद्देनजर एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो पहला विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, क्योंकि जो लोग आंखें खोले थे उन्होंने आंखें बंद लोगों को देखा और बोला कि नहीं दोबारा ऐसी स्थिति ना है, इसके लिए एक बनाया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा गया लीग ऑफ नेशंस। तो यहां हमने देखा एज ए रिजल्ट लीग ऑफ नेशन बनता है और उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि भाई आप क्या कीजिएगा, अगला दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने दीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? तो लीग ऑफ नेशंस को कसम खिलाई जाती है कि भाई आप अगला विश्व युद्ध ना होने देना, ये नहीं होने देंगे। इसमें जितने भी वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज थे वो पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, उसमें जर्मनी भी था। लेकिन जैसे हिटलर का प्रवेश होता है जर्मनी के अंदर, ठीक है, वो इस लीग ऑफ नेशन से बाहर हो जाता है, बोला कि हम नहीं मानेंगे इसको, हम हो गए बाहर। और उसी के कारण क्या होता है, वर्ल्ड वॉर, यानी लीग ऑफ नेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। लीग ऑफ नेशन के रहते हुए भी वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है और फिर से आधे लोगों की आंखें बंद। लगभग सारे कंट्रीज थे उस वक्त, ठीक है, आगे पढ़िएगा इसमें। जी बताया तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद, अब समझिए इसको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों ने, सभी कंट्रीज की आंखें खुल गई, क्योंकि इस बार पहले से ज्यादा लोगों की आंखें बंद थी, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग मर चुके थे। तो घटना थी बहुत भयानक थी, ठीक है, तो घटना थी बहुत भयानक थी, इसमें मैक्सिमम लोग मर चुके थे और बहुत से लोग की आंखें खुल चुकी थी इस बार। और इस बार क्या होता है, इस बार एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की जाती है जो पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो। तो लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में क्या, जिसका जन्म होता है, यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है। और यूनाइटेड नेशन को कसम दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप अगला तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। और आपस में सिर्फ युद्ध को नहीं रोकेंगे, आप युद्ध के होने के कारण को भी ढूंढेंगे और क्या करेंगे, कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि युद्ध ना हो, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशंस में आप देखिएगा पूरा जो आपका टाइमलाइन है ये यूनाइटेड नेशंस को लेकर है। 1941 से ही प्रयास स्टार्ट हो गया था। देखिए 41 का पीरियड कौन सा था, वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी वक्त लोग मर रहे थे, लोगों की आंखें बंद हो रही थी और कुछ लोगों की आंखें खुल रही थी, और जिनकी आंखें खुल रही थी वो
एक अलग संस्था के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सही बात है। तो 1941 में क्या हो रहा है आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल साहब ने इनिशिएट किया और एक चार्टर को साइन किया जिसको बोलते हैं अटलांटिक चार्टर। बाद में 42 में बाकी कंट्रीज ने भी इसको डिक्लेयर किया, 43 में यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, और 45 में फाइनली तीन महान लोग रूजवेल्ट, चर्चिल साहब और स्टालिन जो रशिया के थे, यूएसएसआर के थे, उन लोगों ने फाइनली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दे दी। और फाइनली आप आगे जब पढ़ते जाएंगे तो 50 नेशंस ने इसको साइन किया था और लास्ट में 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को फाइनली फाउंड कर लिया गया, मतलब फाइनली इसका जन्म हो गया, ठीक है। और 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे के रूप में मनाते हैं। इंडिया चूंकि ब्रिटिश कॉलोनी था, वो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में ही यूएन को ज्वाइन कर लेता है, कब? 30 अक्टूबर 1945, यानी कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद इसकी छठी होती है और ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, समझ गए, समझ रहे? तो बात इतने ही जान लीजिएगा, तो छठी के दिन ही ज्वाइन कर लिया, तो बहुत बड़ा भूमिका रहा। हालांकि उस वक्त हिंदुस्तान आजाद नहीं था, लेकिन किसके अधीन था, लेकिन उस वक्त ही ज्वाइन कर लिया। यानी देखिएगा हिंदुस्तान का यूनाइटेड नेशंस से जो लगाव कह सकते हैं या जो कनेक्टिविटी है वो बहुत पहले से रहा था, 45 के समय से रहा था, ठीक है। आपका सवाल, दोनों बन गए होंगे, दोनों अलग अलग मिल गए मेंबरशिप, एक कंट्री अगर टूट जाए तो मेंबरशिप भी अलग अलग हो जाएगा, दोनों को समर्थन मिल जाएगा, वो वोटिंग के थ्रू होता है वहां पर। अभी 193 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, पूरे यूनाइटेड नेशन में। अब देखिए यूनाइटेड नेशन को अगर एक पेड़ मानते हैं तो पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, तो यूनाइटेड नेशन की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस को समझिएगा तो पूरा यूनाइटेड नेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर लिख रहा है द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, साफ साफ लिख दिया यहां पर, लीग ऑफ नेशन के सक्सेसर के रूप में जन्म हो गया। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे वर्ल्ड वॉर का खत्म होता है, लोग की आंखें खुल रही थी, पूरी खुल गई, बोला कि भाई अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, बन जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज था कि यहां पर डिसाइड किया कि किसी कंट्री ने अगर किसी एग्रीमेंट को साइन किया तो सबको मानना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, ये पहला वाला टॉपिक था ना, ठीक है, अब आ जाइए इसको थोड़ा समझिए। आपको बताया था ना कि यूनाइटेड नेशन को अगर समझना है तो इसके बहुत से ब्रांचेस को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पेड़ को समझना है तो उसकी टहनियों को भी समझना पड़ेगा। उसी ढंग से यूनाइटेड नेशन एक भरा पूरा पेड़ था, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी बहुत सी टहनियां थी, और इस टहनियों के आगे भी बहुत से एजेंसीज मिलेंगे जिनके बारे में पढ़ेंगे अभी आप। सबसे पहले इसके मुख्य ऑर्गन्स यानी मुख्य टहनियां कौन कौन थी, जैसे हमारे बॉडी में मुख्य ऑर्गन्स कौन कौन से, हार्ट है, लंग है, किडनी, ये सब मुख्य ऑर्गन्स है ना, इनके बिना बॉडी इनइफेक्टिव है। उसी रंग से ये सारे ऑर्गन्स है, तो इनके बिना यूएनओ नहीं चलेगा, मतलब यूएनओ गिर जाएगा या इनइफेक्टिव हो जाएगा। कौन कौन सा है, सबसे पहले लिख रहा है, ये दोनों देखिएगा, सबसे पहले आपका जनरल असेंबली देखिएगा, 193 मेंबर्स होते हैं इसमें, आम सभा जिसमें सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, 193 कंट्री सभी को एक एक वोट दिया रहता है, ठीक है। किसके, उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको लेकर, ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको समझिए फिर उस पर आएंगे। कौन सा पार्ट, जब हम सदस्यता पर आएंगे ना मेंबरशिप पर, तो बता देंगे आपको कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर कोई इसके सदस्य बन सकता है या सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया को कुछ लोग फुलफिल किए, कुछ लोग नहीं किए, उस पर हम लोग आएंगे मेंबरशिप पर। अभी समझिए जनरल असेंबली के अंदर साफ साफ है 193 मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर हर एक कंट्री को एक वोट मिला होता है, और मेजर डिसीजंस होते हैं ना उस पर दो तिहाई मेजोरिटी होनी चाहिए। डिसीजंस नॉट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर्स, एक बात जान लीजिएगा, डिसीजंस हमेशा बाइंडिंग नहीं होते, आपको बताए थे, ये डिसीजन क्या होते हैं, सजेस्टिव होते हैं, ये भी जो भी डिसीजन लेगा ना ये क्या होंगे, ऑब्लिगेटरी नहीं होंगे, मतलब ये सजेस्टिव फॉर्म में होंगे, लोगों को इम्पोज मतलब मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आगे देखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हार्ट होता है या ब्रेन होता है, उसी रंग से समझ लीजिएगा इस पूरे यूनाइटेड नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है या सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं
10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, वो हर एक दो साल में चेंज होते रहते हैं, और 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना। 5 कंट्री है ना, वो परमानेंट है। और ये 5 कंट्री होते हैं पूरे वर्ल्ड का भार अपने कंधे पर उठाए हुए हैं दिखाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित हो या युद्ध हो, ये 5 कंट्री मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड की ठेकेदारी जो होती है ना इन 5 कंट्री के कंधों पर। ये किसी और को अपने काउंसिल में घुसने नहीं देते, बोलते भाई हम ही काफी हैं, हम हैं, ठीक है, बाकी हाँ बाकी लोग कम हैं, जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये जो 5 लोग हैं यही मिलके पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। क्लियर है, बाद में देख लीजिएगा। देखिए इधर, यहां पर ही साहब यहां पर देखिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। डिसीजंस बाइंडिंग ऑन ऑल योर मेंबर्स, इसने डिसीजन कर लिया, एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी तो सबको इस, ये किसी और की नहीं सुनता है, सबको इसकी सुननी पड़ेगी। ठीक है, और एक बार इसने कमिटमेंट की तो आप सुनिए नहीं सुनिए फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, इतना ही है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिसीजन ले लिया गया वो ऑब्लिगेटरी होता है, उसको सबको मानना होगा। और यहां पर जो डिसीजन लिया जाता है ये ऑब्लिगेटरी नहीं होता, ये सजेस्टिव होता है, लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनके इसको रेजोल्यूशंस को या इनके चार्टर को आप फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके कल्याण के लिए बनाया गया। उसके अलावा भी आपको नजर आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें कुल लगभग 15 जज होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी के मेंबर मिलकर इसको चुनते हैं। इसकी यहां पर हेग में, नीदरलैंड में ये एस्टैब्लिश है। ठीक है, उसी तरह से सेक्रेटेरिएट भी, इसका अपना एक सेक्रेटेरिएट है जहां पर कागजी कार्रवाई होती है, जहां आपका ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस यहां से होता है। यानी कुल मिला के आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सब ऑर्गन्स काम करते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें समझिए इसको, इसके साथ साथ ना कुछ एजेंसीज भी हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं इसके, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। वर्ल्ड में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी घटनाएं घट रही है या एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए यह संस्था काम करती है। उसी रंग से आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें आपने पढ़ा भी होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कौन निकालती है, पढ़े होंगे आप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये ऐसी एजेंसी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करती है। ये बताती है कि कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, मानव विकास के मामले में कितना एक दूसरे से पिछड़ा है और कितना एक दूसरे से आगे है। उसी रंग से ह्यूमन राइट्स एक कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी है, उसी रंग से ह्यूमन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है। उसी रंग से आप पढ़िएगा आगे, इधर आपको नजर आएगा यूनेस्को। यूनेस्को ये शिक्षा से संबंधित है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में कल्चर को बचाने का काम करती है। आपको पता होगा हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं या हिस्टोरिकल बॉडीज हैं जिनको वर्ल्ड का कल्चरल हेरिटेज माना गया। वो किसी एक कंट्री का हेरिटेज नहीं है, वो विरासत पूरे वर्ल्ड का माना गया। और इसको कौन मान्यता देता है, यूनेस्को। जैसे ताजमहल ले लीजिए, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज में है उसका नाम। ठीक है, ठीक है, ताजमहल ही हो गया। ये बहुत सारी चीजें अभी देखिएगा, अभी पूरा वर्ल्ड हेरिटेज में उसका एक पूरा लिस्ट है। ठीक है, तो उसमें पूरा लिस्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको नजर आएगा इस सारे जितनी संस्थाएं जो हिंदुस्तान में है वो किसी एक देश की धरोहर नहीं माना गया है, वो पूरे विश्व की धरोहर है, उनको विश्व धरोहर माना गया है। तो आखिर विश्व धरोहर मानने वाले का एफिलिएशन यानी कौन मानता है, तो ये एक संस्था है जो एफिलिएट करती है। नहीं, ये विश्व का हेरिटेज मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज है। क्या बोले, नहीं, यूनाइटेड नेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फंड का, आगे पढ़िएगा इसमें, अभी आपको तुरंत पढ़ाएंगे कि यूनो का हर एक देश यूनाइटेड नेशन के बजट में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अभी देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं बजट का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको मुख्य तौर पर पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पर देखिएगा कुछ स्पेशल कमीशन भी है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन भी है, नारकोटिक ड्रग्स कमीशन भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वुमेन के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन कमीशन भी है। ये सब कमीशन
यानी यूनाइटेड नेशन आज के टाइम इतना बड़ा बॉडी है, इतनी बड़ी संस्था है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेटस पर काम करती है। जैसे आज हमारी जरूरतें बदल रही है ना, वैसे वैसे इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। इसके अंदर नए नए आप कमीशन देखिएगा, नए नए प्रोग्राम्स देखिएगा जो लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। ठीक है, समझ गया इसको? ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।